नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रेंड्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। झारखंड में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर हुई 17। रांची में सबसे ज्यादा 8 पॉजिटिव मरीज। शनिवार को रांची में एक, कोडरमा में एक और हजारीबाग में एक मरीज की संक्रमण की हुई पुष्टि। रांची के हिंडपीरी में ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण इसे 72 घंटों के लिए किया गया सील। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवार को इसकी संख्या 17 हो गई। इनमें से रांची में 8, बोकारो में 6, हजारीबाग में 2 और कोडरमा में 1 मरीज की कोरोना पुष्टि की गई है। कोडरमा में यह पहला मरीज है जिसमें संक्रमित की पुष्टि हुई है। वहीं रांची के 8 मरीज हिंडपीरी इलाके के रहने वाले हैं। बोकारो के 1 मरीज को कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से मौत भी हो चुकी है। किसान मजदूर के हित एवं जांच का दायरा बढ़ाने पर विशेष जोर दे सरकार। सीएम ने कहा, असामाजिक तत्व विरोध होगी, कड़ी कार्रवाई केंद्र मदद से मिलेगी। भाजपा जेएमएम के कई अन्य दलों के नेताओं ने लॉकडाउन बढ़ाने का दिया सुझाव। राज्य के राजनीतिक दलों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुझाव दिया कि सरकार को मजदूरों किसानों के हित में और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। जांच का दायरा तेजी से बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने भी सभी राजनीतिक दलों का आह्वान किया कि इस संकट की घड़ी में वे एकजुटता दिखाएं। संकट के इस दौर में जिन असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब करने का, सामाजिक तनाव पैदा करने की चेष्टा की जा रही है, उन्हें सरकार से बड़ी कार्रवाई की मांग की है। हजारीबाग में मदद को आगे आ रहे 200 से अधिक लोगों से ठगी कर ली गई है। मदद के लिए इनके द्वारा दिए गए 51 लाख रुपए पीएम केयर फंड के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर उड़ा लिए गए हैं। मामले में हजारीबाग पुलिस ने दोनों आरोपी को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपियों के नाम हैं नूर हसन और मो इस्तेखार। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल ट्रेंड्स।